हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसकी हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, तो फर्स्ट यूनिट का आज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम बेसिकली स्टडी करेंगे प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्यूरेसी के बारे में डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में ये दो टॉपिक स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड यूनिट नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के इस लेक्चर को। तो हम दोनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम। तो फर्स्ट देख लेते हैं प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रिसीजन रेफर टू डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द सर्वल मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ सैंपल बाय सेम मेथड। अब इस डेफिनेशन को आपको मैं अच्छे तरीके से समझाता हूं। जैसे कोई वैल्यू दे रखी है हमें, 60 है, इसका मतलब ये 60% है, तो इसका ये 1 ऊपर नीचे हो सकता है, 0.4 जो भी है। तो अगर कोई एनालिस्ट परफॉर्म कर रहा है प्रैक्टिकल, तो अगर इसकी वैल्यू 60 से अबाव आ रही है, मतलब जितनी इसके पास में आएगी ना वैल्यू 60.56 जो भी है, इसके जितना करेक्ट मतलब क्लोज होगी वैल्यू, वो उसको वो प्रिसीशन मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होगी। और इससे ज्यादा अगर आगे जा रहा है, 62 जा रहा है, 61 जा रहा है, 65 जा रहा है, तो वो उसमें कोई ना कोई एरर होगा। तो उसी के लिए हम प्रिसीशन यूज करते हैं। प्रिसीशन रेफर टू डिग्री ऑफ क्लोजनेस, इससे पता लग जाता है कि जो हमारा रिजल्ट है वो कितना क्लोज है एक्यूरेट जो ट्रू रिजल्ट होता है उससे, उसका पता लगाया जाता है। डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द सर्वल मेजरमेंट ऑफ सम क्वांटिटी सेम क्वांटिटी ऑफ सैंपल बाय सेम मेथड। आगे क्या लिखा है, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। जो प्रिसीशन है जो पिछले इस पार्ट में लिखा है और एक्यूरेसी है, ये दोनों से एक दूसरे से कोरिलेटेड करते हैं। एक्यूरेसी रिप्रेजेंट करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट व्हाइल प्रिसीशन रिप्रेजेंट रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये आपको समझ में आ रहा होगा, प्रिसीशन ऑलवेज रिप्रेजेंट एक्यूरेसी। अब जो प्रिसीशन है वो हमेशा एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि प्रिसीशन का मतलब क्या है कि जितना जो हमारा ट्रू वैल्यू है, जो मेजर्ड वैल्यू है, उतना उसके करीब आएगा, क्लोज आएगा उतनी ही। अब यह है कि प्रिसीशन है तो उसमें जो हमारी एक्यूरेसी है वो भी इंक्रीज होगी, तो ये ऑलवेज इसको फॉलो करता है रिप्रेजेंट एक्यूरेसी। बट हाइयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कि ज्यादा एक्यूरेसी डज नॉट नेसेसरी रिप्रेजेंट द मेथड इज प्रिसाइज, मतलब प्रिसीशन को फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। टू एनालिस्ट हैं, परफॉर्म एनालिसिस ऑन ए सैंपल दैट कंटेन, एक सैंपल है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है 70.10% प्लस माइनस, ये इतना ऊपर नीचे हो सकता है 0.04% ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। द रिजल्ट ऑब्टेन बाय देन आर फॉलोस। क्या है, जो फर्स्ट एनालिस्ट है उसका रिजल्ट है 70.07, 70.18, 70.14, 70.08, इसका मीन निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू हमारे पास आएगी 70.12। ये फर्स्ट एनालिस्ट का रिजल्ट है। अब सेकंड जो एनालिस्ट बी है उसका रिजल्ट देखिए आप, 27, 70.28, 70.26, 70.28 डिफरेंस लग रहा होगा आपको इसके अंदर। इसकी एवरेज वैल्यू है 70.27। तो आप बताइए कि 70.10 के क्लोज कौन सी वैल्यू है, 70.7 या फिर 70.12। तो जो एनालिस्ट ए है उसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा करेक्ट होगा देन एनालिस्ट सेकंड, ऐसे पता लगाया जाता है प्रिसीशन के अंदर। आगे देखते हैं हमारा जो सेकंड टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट विच आर नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट। रिजल्ट आता है हमारा, कोई भी वैल्यू रिजल्ट की अगर आ रही है
उसको एक्सप्रेस करने की एक वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट इट। मतलब जो एक्यूरेसी हम इसको मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसका वो डिपेंड करती है कि हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज किए हैं उसको रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने में। मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर विल बी द एक्यूरेसी। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी हमें मिलेगी। तो ए सैंपल, अब एग्जांपल देखिए, ए सैंपल एनालिटिकल 71.2 इन ए रफ बैलेंस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स while in analytical balance 3 and 6 and each value give the precision of respective measurement। आगे देखिए, आगे समझ में आएगा आपको। In 70.12932 the figures 71.293 are known with certain while 6 digit with some uncertainty less than 1। मतलब अब ये डिजिट है तो इसको हम इसको यहां से ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहां पर देखिए इसको हटा दिया तो ऐसे भी हमारा रिजल्ट इसमें क्या होगा कि थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, 1% का से ज्यादा नहीं होगा। आगे देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल देखिए, 70.12, 71.2, 70.712 ऑल कंटेन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी 3 से लेके 6 तक जाती है। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, मतलब जितने ज्यादा नंबर इस पॉइंट के आगे होंगे, उतना ही हमारा रिजल्ट एक्यूरेट होगा। मतलब मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर विल बी द एक्यूरेसी। तो ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर। इस वीडियो में भी मैं यही बताऊंगा, प्रिसिशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन आपको पूछा जा सकता है या तो 2 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का हमारा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम जो टाइट्रेशन हमारी स्टार्ट होंगी नेक्स्ट यूनिट से, ऐसे बेस्ट टाइट्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों नोट्स भी परचेज कर सकते हैं आप, अवेलेबल हो जाएंगे जल्द ही इसके, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप, वहां से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइसेज में। अगर आपने अपने फ्रेंड्स को भी शेयर नहीं किया तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।